सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माई न्यू वीडियोज़। और गाइज, गेम के अंदर आ चुका है न्यू लक रॉयल इवेंट, और इस इवेंट का एक और नाम है जो है सुपर हीरोज लक रॉयल की, पता नहीं क्या नाम है, मैं आपको दिखाता हूँ। चलो सबसे पहले मैं यहाँ पे लक रॉयल में चलते हैं, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो गाइज, यहाँ पे नाम है सुपर हीरोज रॉयल, हाँ रॉयल इवेंट है। और इस इवेंट में ये हमारा गुलवाल की स्किन है, मतलब हम सभी का जो ये गुलवाल की स्किन है, ये लक रॉयल में एक गुलवाल की स्किन है, और दूसरा यहाँ पे एक बैकपैक है, और गाइज तीसरा का यहाँ पे एक सुपर पिक्सर कनाफ का स्किन है, ठीक है। बाकी बात 30 रिवॉर्ड्स है, मुझे बाकी बात पसंद नहीं है, मेन आइटम है ये गुलवाल की स्किन। तो चलो गाइज, यहाँ पे हम स्पिन मारते हैं और देखते हैं गाइज टोटल कितना डायमंड लगता है और कितनी देर में निकलता है या नहीं निकलता है। तो गाइज स्पिन मारने से पहले आप सभी को यहाँ पे बार बार टैप टैप कर देना है, और टैप टैप कर देने के बाद यहाँ पे हम सबसे पहले मारते हैं 1 स्पिन यानी कि 15 डायमंड का। तो देखते हैं गाइज 15 डायमंड का मुझे क्या मिलता है। तो यहाँ पे भाई बेकार ही आइटम मिला। चलो फिर से यहाँ पे 15 डायमंड का स्पिन मारता हूँ और उसके बाद क्या मिलता है देखते हैं। ओके, एक पेन का स्किन परमानेंट मिला गाइज, चलो बढ़िया आइटम है ये भी। उसके बाद फिर से हम बैक जाते हैं गाइज और अपना जो ट्रिक है वो ट्रिक यूज़ करते हैं। ट्रिक अपना यही है कि सेटिंग में जाके सबसे पहले क्लियर कैच करना है, तो क्लियर कैच कर लेते हैं और उसके बाद फिर से बैक जाना है, और बैक जाने के बाद लक रॉयल में चलते हैं गाइज। और लक रॉयल में जाने के बाद यहाँ पे गोल्ड रॉयल पे थोड़ा स्पिन मार दे रहा है, मेरे पास तो गोल्ड रॉयल भी नहीं है गाइज, तो इसीलिए मैंने एक दो स्पिन मार दिया। और उसके बाद यहाँ पे सुपर रॉयल इवेंट में आ चुका है यहाँ पे, और गाइज यहाँ पे 110+1 यानी कि 150 डायमंड का स्पिन में मार देता हूँ, और यहाँ पे देखो क्या क्या मिलता है। तो गाइज यहाँ पे एक टॉप मिला ओल्ड लेडीज वाला अपार्टमेंट, और एक वो साइथे का स्किन मिला, ठीक है, पता नहीं क्या नाम था उसकी। और उसके बाद गाइज फिर से यहाँ पे टैप टैप करके 10+1 150 डायमंड का स्पिन मारते हैं गाइज, और देखते हैं गाइज क्या मिलता है। तो चलो गाइज फिर से स्पिन मारते हैं, 15 नहीं, 15 का नहीं मारना है, 150 50 का मारना है, ठीक है। चलो देखते हैं गाइज क्या मिलता है इस बार, क्या कोई आइटम परमानेंट मिलेगा या नहीं मिलेगा गाइज। तो वो यहाँ पे क्या, ओ भाई कंग्रेचुलेसन, क्या ओ बैकपैक मिल गया गाइज, सुपर फ्यूजन बैकपैक मुझे मिल चुका है। तो गाइज ये बैकपैक थोड़ा बढ़िया लग रहा है, क्योंकि देख सकते हो भाई कैसे फ्यूजन हो रहा है, मतलब समझ रहे हो ना, मस्त लग रहा है, ठीक है। तो गाइज अभी तक अगर आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ गाइज वीडियो को लाइक कर दो, साथ में आपको चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है ना गाइज। चलो उसके बाद फिर से यहाँ पे टैप 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 करके, और गाइज फिर से यहाँ पे हम मारते हैं 10+1 150 डायमंड का स्पिन मारते हैं गाइज, और देखते हैं गाइज क्या मिलता है इस बार भी, कोई आइटम मिलेगा परमानेंट या नहीं मिलेगा, समझ रहे हो ना गाइज, सुबह सुबह बोला नहीं जा रहा है। चलो यहाँ पे एक गन का सॉरी एक ग्रेनेड का स्किन परमानेंट मिल चुका है मुझे, देख सो तो भाई यहाँ पे। और उसके बाद गाइज फिर से मारते हैं 10+1 स्पिन, और इस बार क्या कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो भाई यहाँ पे अगर एक भी आइटम दे देता है ना, तो बाकी बात जितना आइटम है सब बेकार बेकार देता है, मतलब एक भी अच्छी आइटम नहीं देगा ही नहीं, ठीक है। चलो गाइज फिर से बैग जाके फिर से लक रॉयल में जाते हैं, सबसे पहले यहाँ पे मंथली मेंबरशिप है ना जो क्लाइम कर लेते, ठीक है। उसके बाद चलो गाइज फिर से यहाँ पे बैग जाके और लक रॉयल में जाते हैं, और फिर से यहाँ पे स्पिन मारना स्टार्ट करते हैं गाइज, वो भी टैप टैप करके, सबसे पहले टैप करना है, ठीक है, उसके बाद स्पिन मार रहा है गाइज, ठीक है। तो चलो गाइज यहाँ पे हम फिर से मारते हैं 10+1 स्पिन, और देखते हैं गाइज क्या इस बार भी कंग्रेचुलेसन आएगा, कोई आइटम मिलेगा परमानेंट या नहीं मिलेगा। तो भाई गन का स्किन ही दे रहा है बस, वो भी एक आध दिन के लिए, ठीक है। चलो गाइज फिर से मारते हैं 10+1 स्पिन, और इस बार लग रहा है कुछ मिलेगा। तो यहाँ पे कंग्रेचुलेसन, क्या मिलेगा, अरे यार ये देखो कनेफ का स्किन मिल रहा है भाई, इसका क्या काम हमारा। चलो कोई बात नहीं भाई, ये देखो भाई इसके लिए मुझे कितना डायमंड खर्च करना पड़ा भाई, 1300 है, तो मैंने किया कम से कम 800-900 डायमंड इन दोनों चीज़ को लिए। अब बस लास्ट चीज़ बचा है वो है
गुलवाल का स्किन। तो गाइस चलो अभी एक बार फिर से बैग जाके और लक रॉयल में जाते हैं और फिर से 10+1 स्पिन मारते हैं और देखते गाइस क्या इस बार मुझे मिलेगा गुलवाल का स्किन या नहीं मिलेगा। भाई साहब आपको पता ही है भाई, इन दो आइटम निकालने के लिए मुझे कितना डायमंड लग गया, 800 900 मानो 1000 डायमंड तो लग ही गया, 1000 डायमंड लग गया गाइस। और यहाँ पे एक गुलवाल का स्किन निकालने में देखते गाइस मुझे कितना डायमंड लगता है। तो यहाँ पे मैंने फिर से ये इतना ज़्यादा स्पिन मार दिया है और भाई तभी भी कोई आइटम नहीं दे रहा है। ठीक है देख सो तो भाई क्या क्या ये बेकार का आइटम दे रहा है भाई। चलो कोई नहीं गाइस यहाँ पे फिर से मारते 10+1 स्पिन 150 का और इस बार भी कोई आइटम नहीं दिया भाई, यही नहीं दिया भाई, कुछ नहीं देगा। हाँ मैं समझ गया भाई, लास्ट में दिया 5 स्पिन है मेरा, लक 5 हो गया है। तो मैं 50-50 डायमंड का 15 डायमंड का स्पिन मारता हूँ। ठीक है फिर से दोबारा स्पिन, इस बार भी कुछ नहीं मिला। ठीक है फिर से स्पिन, इस बार भी कुछ नहीं मिला। तो मेरा लक कितना हो गया गाइज, 48 हो गया है। चलो फिर से 15 का स्पिन, इस बार भी कुछ नहीं मिला। अब इस बार तो परमानेंट मिलेगा ही मिलेगा क्योंकि लक मेरा 50 हो चुका है। और ये देखो कंग्रेचुलेशन, और फाइनली गाइज गुलवाल का स्किन जो है वो मुझे मिल चुका है। तो गाइज ये गुलवाल का स्किन आपको कैसा लगा वो मुझे कमेंट में ज़रूर बता देना। और गाइज अगर हम लोग टोटल डायमंड के बात करें कि इस इवेंट में टोटल कितना डायमंड लगता है, तो गाइज मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले इसको हम बैक करने दो, उसके बाद टोटल डायमंड का हम बताते हैं। ठीक है तो गाइज यहाँ पे देख सो तो भाई अभी मेरे पास है 722 डायमंड है और टोटल डायमंड था मेरे पास मतलब मंथली भी क्लाइम करके 2200 डायमंड था मेरे पास। ठीक है हाँ इतना डायमंड तो था मेरे पास। तो अगर उसके बात करें तो गाइज टोटल डायमंड मुझे लगा कितना भाई, कितना लगा कमेंट में ज़रूर बताना यार। 1500-1600 कम से कम लगा भाई, 1500-1600 हाँ 1500 डायमंड लगा भाई। देखो आपके सामने ही मैंने इतनी ज़्यादा स्पिन मारा, लेकिन फिर भी भाई साहब इतनी ज़्यादा डायमंड उड़ने के बाद भी भाई साहब क्या ही बताओ यार, मतलब एक गुलवाल की स्किन निकालने के लिए मुझे 1500 डायमंड यानी कि 1500 सॉरी हाँ 1000 मतलब 500 डायमंड मेरे को वेस्ट हो चुका है। तो अगर आपके पास भी है इतनी ज़्यादा डायमंड तो आप भी जाके मार सकते हो। और गाइज यहाँ पे देख सो तो भाई इतनी ज़्यादा मतलब क्रेट ओपन कर रहा हूँ लेकिन फिर भी कोई आइटम भी नहीं दे रहा है। देखो परमानेंट इसमें भी एक भी आइटम नहीं दिया भाई, देख रही हो सारे के सारे आइटम मतलब डे के लिए 24 दिन या 25 दिन के लिए ही दिया, समझ रहे हो। चलो यहाँ पे अभी कलेक्शन में यहाँ पे एक बैकपैक, ये स्काई का स्किन, और उसके बाद यहाँ पे अगर वेपन रॉयल में जाके देखे तो ये सब में से आइटम सब आया है, इन सब में से क्या ये सब आया है। ठीक है ये देखो भाई 11 डे क्या मतलब कोई आइटम अगर परमानेंट दे देना गन का स्किन वगैरह तो मज़ा आ जाता भाई, सच बता रहा हूँ। लेकिन दिया नहीं, मतलब समझ रहे हो ना इतनी ज़्यादा मतलब चालाक वाला काम करता है ग्रीना, लूटने वाला काम कर रहा है, मैं तो यही बोलूँगा भाई सच बता रहा हूँ। क्योंकि भाई यार फ्री फायर इंडिया भी नहीं आ रहा है भाई, स्पिन मारने में भी डर लग रहा है, पैसा लगाने में भी डर लग रहा है गेम के अंदर। तो खास करके सोच समझ का ही स्पिन मारना गाइज। ये देखो ये रहा हमारा डायमंड सॉरी मतलब गुलवाल के स्किन यार, सुबह सुबह ना सच बता रहा हूँ जो नहीं बोलना चाहिए था वो भी बोला जा रहा है, मतलब हिंदी इंग्लिश तो कुछ भी मतलब जो नहीं बोलना चाहिए गुलवाल का मैं डायमंड बोल रहा हूँ भाई, मतलब समझ रहे हो ना। तो वही है तो गाइज चलो क्या ही बताओ, अब इस वीडियो में तो इतना ही है और वीडियो भी बहुत लंबा हो चुका है। तो गाइज बिना बोले ही आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार, और पास में आपको बेल आइकन उस पे भी ऑल पे प्रेस जरूर कर देना। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।